हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी फिल्मों के बारे में जिनकी स्टोरी को फिल्म में ज्यादातर एक ही जगह पर दिखाए गए हैं और ये फिल्में मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी पड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पर आती है फोन बूथ। फिल्म को रिलीज किया गया था 2002 में। फिल्म में स्टूअर्ट शेपर्ड नाम का आदमी अपने आप को खतरे में डाल देता है जब वह एक फोन बूथ पर आए कॉल को उठा लेता है और जिसने कॉल किया है वो उसे बताता है कि उसके कॉल काटते ही वो उसे गोली मार देगा। तो फिल्म की पूरी स्टोरी को इसी फोन बूथ और स्टूट के आसपास ही दिखाई गई है। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि वो कौन है कॉलर और वो ऐसा स्टूट के साथ क्यों कर रहा है। फिल्म की कास्ट में कॉलिन फेरल। नंबर 9 पर मूवी आती है वो है पैनिक रूम। फिल्म को रिलीज किया गया था 2002 में। इस फिल्म में एक माँ और बेटी एक नए घर में शिफ्ट होते हैं तो एक बार उस घर में दो चोर आ जाते हैं और उन चोरों से बचने के लिए वे दोनों अपने आप को एक पैनिक रूम में बंद कर लेते हैं। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि वे दोनों उन चोरों से बच पाते हैं या नहीं। फिल्म की कास्ट में क्रिस्टन स्टेवार्ट। नंबर 8 पर मूवी आती है वो है द सेलोज। फिल्म को रिलीज किया गया था 2016 में। इस फिल्म में नैन्सी नाम की कैरेक्टर है जो कि बीच पर सर्फिंग करने जाती है लेकिन सर्फिंग करते करते उस पर अटैक कर देती है एक शार्क, लेकिन वो वहां से किसी तरह बचकर एक चट्टान पर चढ़ जाती है। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि क्या नैन्सी उस शार्क से बचकर बीच के किनारे पहुंच पाती है या नहीं, या फिर उसी चट्टान पर वो मारी जाती है। फिल्म की कास्ट में ब्लैक लाइवली। 7 नंबर 7 पर मूवी आती है वो है वेयरवुल्फ द बीस्ट अमंग अस। फिल्म को रिलीज किया गया था 2012 में। इस फिल्म की स्टोरी में एक विलेज को बताया गया है। उस विलेज में एक वेयरवुल्फ लोगों को मार रहा है तो उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए आती है एक वेयरवुल्फ हंटर की टीम। तो वो हंटर्स उस वेयरवुल्फ को पकड़ पाते हैं या नहीं वो जानने के लिए इस फिल्म को देखें। और इस फिल्म में आपको वेयरवुल्फ के साथ एक वैम्पायर भी देखने को मिलेगा, तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म की कास्ट में है ईडी क्वीन। 6 नंबर 6 पर मूवी आती वो एक ग्रीन रूम। फिल्म को रिलीज किया गया था 2015 में। फिल्म में एक पंक रॉक बैंड नाम का एक ग्रुप जाता है करने अपना एक शो, तो शो खत्म होने के बाद वो ग्रुप निकलने ही वाला होता है कि उस ग्रुप के एक मेंबर ने देख लिया होता है मर्डर को होते हुए, तो वो डर जाता है और अपने ग्रुप को बताकर भागने लगता है। लेकिन वहां पर उस जगह के लोग उन्हें पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, तो वो सब मिलकर उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि क्या वो रॉक बैंड का ग्रुप उन लोगों से बचकर वहां से निकल पाता है या नहीं। फिल्म की कास्ट में एंटनी एलचिन, इमोगन पोर्ट्स, पैट्रिक स्टेवार्ट, आलिया सॉकेट, जॉय कॉल, मैकन ब्लेयर, कैलम टर्नर और मार्क वेबर। 5 नंबर 5 पर मूवी आती है वो है स्लीपी होलो। फिल्म को रिलीज किया गया था 1999 में। इस फिल्म की स्टोरी में स्लीपी होलो नाम की एक जगह पर एक सिर कटा घुड़सवार जो लोगों को मारकर उनके सिर को काटकर अपने साथ लेके चला जाता है, तो उसी की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जॉनी डेप स्लीपी होलो में आते हैं क्योंकि उन्हें ये शक है कि इन सभी के पीछे कोई इंसान ही है जो ये सब कर रहा है। फिल्म की कास्ट में है जॉनी डेप। नंबर 4 पर मूवी आती वो है हैरी पॉटर द चैम्बर ऑफ सीक्रेट। फिल्म रिलीज हुई थी 2002 में। इस फिल्म की स्टोरी में हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स में रहस्यमय तहखाने की मिस्ट्री को सॉल्व करता है जिसे किसी ने खोल दिया है और उसमें से निकला जानवर उन लोगों को खत्म करेगा जिन लोगों को वो जादू सीखने लायक नहीं समझता। फिल्म की कास्ट में एमा वॉटसन, डैनियल रैडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट। नंबर 3 पर मूवी आती है वो है एस्केप रूम। फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में। इस फिल्म में 6 लोग $10,000 यानी कि 7 करोड़ रुपए जीतने के लिए गेम खेलते हैं, तो इन 6 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन्हें उस रूम से टाइम खत्म होने से पहले ही निकलना होगा। तो क्या वे 6 लोग उस रूम से बाहर निकल पाते हैं या नहीं वो जानने के लिए इस फिल्म को देखें। फिल्म की कास्ट में एडम रॉबिटल, टाइलर रसेल, डेबोरा एनवॉल, लोगन माइलर, जे एलाइस और निक डोडानी। नंबर 2 पर मूवी आती है वो शटर आइलैंड। फिल्म रिलीज हुई थी 2010 में। इस फिल्म में दो यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स और उनके नए पार्टनर चक कॉल के साथ जाते हैं शटर आइलैंड में एक असाइलम पर जहां से भाग गया है एक पेशेंट, तो वे दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस भागे हुए पेशेंट की। ये एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और आपको इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म की कास्ट में लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क रफेलो।
तो दोस्तों नंबर वन पर मूवी आती वो है शशांक रिडेम्पशन। फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में। इस फिल्म में कहानी है एंडी डुफ्रेन की, जो होता है एक अमेरिकन बैंकर जो जाता है जेल में ऐसे क्राइम के लिए जिसने वो किया ही नहीं, लेकिन ऐसा वो कहता है। इस फिल्म की पूरी कहानी जेल में ही दिखाई गई है। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि वो क्राइम किसने किया है और क्या होता है एंडी डुफ्रेन के साथ जेल में। फिल्म की कास्ट में है टीम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। The song.